अतीक को मार देते हो, अशरफ को मार देते हो, उनके बेटे को मार देते हो, उनके अरे मुसलमानों से कौन सी दुश्मनी है बाबा, कौन सी दुश्मनी है बताओ ना, कौन सी दुश्मनी है भैया? घर वाले को ढूंढ रहे हो काहे महाराज? अतीक क्या तुम्हारे फूफा लगते हैं? अरे सांसद थे, विधायक थे, हमारे उत्तर प्रदेश से थे भैया। अब चाचा फूफा होंगे आपके होंगे, क्या रिश्ते में आते हैं वो आपके होंगे। योगी जी कह रहे गर्मी निकाल देंगे और गर्मी निकाल दिया। योगी की गर्मी निकलेगी अब, उन्होंने अतीक की निकाली है ना, देश की 135 करोड़ जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनसंख्या योगी की गर्मी निकालेगी। जितने भी ठंडा, अरे योगी जी को ठंडा करेंगे भैया हम लोग, योगी को तबीयत से ठंडा करेंगे, नहीं तो वो ऐसे ही आग उगलते रहेंगे। अगर ये आग निकलती रही ना, ऐसे आग आती रही तो एक दिन पूरा उत्तर प्रदेश जल जाएगा और उत्तर प्रदेश को हम जलते हुए नहीं देख सकते। धमकी वो अरे भेजिए जेल में, भेजिए भैया उत्तर प्रदेश से ही, भेजिए अयोध्या से, भेजिए जेल में। बाप के बाद हिम्मत है इतनी, जिसने पहले ही धमकी दे दी मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भैया सभापति महोदय के सामने ही जब कह रहा था तब कहां मर गए थे आप लोग, तब नहीं धमकी थी वो? वध क्या है? वध किसका होता है? राक्षसों का वध होता है। अरे राक्षस थे वो, राक्षस राक्षस तो आप लोग हो जो उसको राक्षस मानते हैं। अतीक भगवान है आपके लिए। एक चीज बता रहा हूँ, मैं सांसद था, वो विधायक था भाई, उसने अच्छे काम किए ना, गलत था कोर्ट सजा देती, कोर्ट कहाँ थी? तो अच्छा तो आप मिली भैया, ए माफिया तो पत्रकार ने आपका लाइसेंस का लाइसेंस दिखाई, आप भी तो माफिया की तरह ही आप भी दिख रहे हो, कभी आप भी इनकाउंटर हमारा ना कर दो। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। हे भैया ऐसे ही दस, सुनिए ऐसे ही दस पत्र, सुनिए ऐसे ही दस पत्रकार इंटरव्यू उसका कर रहे थे, तभी तीसरा निकल के गोली मार दिया। भैया हमें विश्वास नहीं है आप पे, दिखा दीजिए। माफिया वो लोग थे जो पत्रकार बन के आए थे, माफिया वो लोग थे जो आज उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे बैठे हैं, माफिया वो लोग हैं जो सदन के अंदर कहते हैं मिट्टी में मिला दिया जाएगा, माफिया तो वो लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगा के इनकाउंटर कर देते हैं, माफिया तो वो लोग हैं जो अभी भी अरे योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। अरे महाराज सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जाके पाव न रहे विवाही ते का जाने पीर पराई, जब आपके घर में होगा ना ऐसे इनकाउंटर कर दिया जाएगा बेफुजूल में, तब आपको पता चलेगा पत्रकार महोदय। बिहार में नारा लग रहा है अतीक अमर रहे। देखिए जाके रामचरित मानस प्रेमी हैं भैया, अयोध्या से उसमें लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसे। अब कोई जय श्री राम का नारा लगा के मार देता है और उसने जय लगा दिया कि अतीक अहमद अमर रहे, तो आपके पेट में दिक्कत हो रही है। आपने कभी संघियों का इंटरव्यू करा? आपने संघियों से कभी पूछा कि जय श्री राम का नारा क्यों लगाया? उस पर आपको दिक्कत नहीं होती? उसने लगा दिया अतीक अहमद अमर रहे, उस पर आपको दिक्कत हो रही है? आखिर क्यों, आखिर क्यों पत्रकार महोदय, आखिर आपको मुसलमानों से दिक्कत क्यों है बताइए? गजनवी ने नारा लगाया है, गजनवी। मैं क्या करूं कि सब लगा दें एक साथ, सब लोग लगा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप पाकिस्तान थोड़ी है कि यहाँ पे माफिया के लिए नारा लगाओगे। देखिए पाकिस्तान पाकिस्तान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, पाकिस्तान से भी बेहतर यहाँ पे कर दिया है। पाकिस्तान में मुसलमान पाकिस्तानी बुलवा रहा है आपको। अच्छा पाकिस्तानी बुलवा रहे भैया, पाकिस्तानी हो आप, पाकिस्तानी हो, हमको पाकिस्तानी कह रहे। आप प्रमाण पत्र दोगे? प्रमाण पत्र दोगे? प्रमाण पत्र दोगे? प्रमाण पत्र दोगे? फंडिंग किसकी आती है सबको मालूम है, सबको हमको मालूम है आपकी हकीकत। योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए आप लोग ये सब बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने संविधान को बदनाम कर दिया है, योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की माँ बहन कर दी है, तो भैया हम तो उनको बदनाम करेंगे ही करेंगे। हैं बोलिए, योगी जी से सवाल आपने पूछा भाजपा के, सुनिए क्यों रही है सामने, क्यों नहीं आ रही है? अरे भैया सामने जिस दिन आ जाएगी ना ये लोग मार देंगे, और ऐसे ही पत्रकार लोग मार देंगे चार। अरे मैडम काहे भाग रही थी, अरे मैडम क्या हुआ था, और तीसरा पत्रकार निकलेगा पोज देगा, पोज ये रहेगी। बुलडोजर राज है, बुलडोजर परवीन की जान को खतरा है, बिल्कुल जान को खतरा है उसको, तो भैया मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी देनी चाहिए साइस्ता परवीन, बिल्कुल इनाम रख दिया है। इनाम ये यही करेंगे भैया, इनाम रख देंगे जी, मारू ढूंढ के लाओ मार देंगे, गला काट के लाओ, ये इनाम। ये तो उत्तर प्रदेश में चलता रहता है, पठान मूवी के समय पे आपने देखा होगा कि शाहरुख खान का गर्दन काटने वाले को इतना इनाम, उसका क्या नाम स्वामी प्रसाद की जबान काटने वाले को इतना, ये तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और ये अच्छा अपना गैंग बना रही है, आपने कौन सी गैंग बनाई है आज तक, कौन सी गैंग बनाई, गिनो गैंग अपना, दो चार नाम बताओ कौन सा गैंग बना है। पत्रकार इज्जत कीजिए, पत्रकारों की भी तो गैंग है, सवाल पूछ लिया। नहीं नहीं कौन सी गैंग बना रही, एक महिला है भैया, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, महिला सुरक्षित करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, महिलाओं की इज्जत करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उन्हीं को खदेड़ रहे, उन्हीं को दौड़ा रहे, ये गलत है। बुलडोजर चलेगा छातियों पे, छातियों पे तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये बुलडोजर नीति बंद नहीं की ना, तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे आवास है ना दिल्ली में,
यहाँ पे भी चलेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आवाज पे तो 27 के बाद चलने ही वाला है। सुरेश चौहान के को जानते हैं? अब भैया समझदार के लिए इतना ही काफी है। सुरेश चौहान के कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे फुर्र हो गई। सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि बद हुआ है, बद हुआ है। और उसके भैया एक और दिखाता हूँ मैं, पोस्ट किसी ने लगाया था, आप लोग देखिएगा कि फुर्र हो गई वो। महाराज कैसे हो गई ये भी नहीं पता है, दिखाते हैं आपको एक मिनट। अगर गलत हुआ तो जेल जाओगे? जेल हम कहे जाएंगे? हम क्या कह रहे हैं, आज तक वाले को भेज दो। एक बार बोलिए जिम्मेदारी अनुराग हो जाएगी, आज गलत बोलेंगे जेल जाएंगे। आज तक वाले को भेज दो भैया, डिलीट कर दिया किसी ने लगता है, जिसने लगाया था ना डिलीट कर दिया था, डर गया होगा वो, डर गया होगा। सुनिए आज तक प्रवीण कहाँ है बताइए, आए कहाँ पे हो? ए भैया अब हमको तो पता नहीं है कहाँ है, लेकिन जहाँ भी होगी मैं तो भगवान श्री राम से और अल्लाह से और वाहे गुरु से और जितने भी देवी देवता 133 करोड़ देवी देवता हैं, मैं सबसे कहूंगा भगवान उसकी हिफाजत करो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब किसी की हिफाजत करने के लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूर्ण रूप से नपुंसक हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को अब इस्तीफा देने का समय आ गया है। तो शाइस्ता परवीन को आप क्या मानते हैं, गुंडी मानते हैं नहीं मानते? गुंडी कैसे मानेंगे भैया, उसने किसको मार दिया आपको? मारा है मार दिया है योगी जी को, मार दिया है भैया, किसको मार दिया? उन पर इनाम घोषित है, पुलिस ढूंढ रही है। भारतीय जनता पार्टी में क्या कह रहा हूँ कि जो सच्चाई के साथ होगा, जो मुसलमानों के साथ होगा, जो और लोगों के साथ में होगा, उनको तो मारने का ही काम करते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी के गुण नहीं गाएंगे ना, तब तक वो लोगों को मारते रहेंगे। मुसलमान की वजह से थोड़ी ना मारा है उसको, माफिया की वजह से मारा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रतीक ही माफिया था? वाह भाई वाह, और कितने माफिया हैं, कितने ठाकुर माफिया हैं, और सबसे बड़ा माफिया जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन बैठा है, सबसे बड़ा माफिया है। और भारतीय योगी जी को माफिया बोल रहे हो? नहीं है माफिया। अच्छा है, जैसा के पापा माफिया है? नहीं है, माफिया थे। मंत्री है, गृह मंत्री, हमने कब कह दिया चपरासी है, गृह मंत्री है, माफिया थे। सुनिए, और ये क्या नाम है राजनाथ, माफिया थे नहीं थे? माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी यानी मोदिया, वो भी एक समय पे माफिया हुआ करता था। अरे भैया माफियाओं की तो जमात बैठी है, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में जितने भी माफिया बैठे हैं सबका इनकाउंटर कर दो, करो। सबके पापा है, पापा है, किसके पापा है भैया? सबके आप ही के होंगे, हमारे तो भैया वो कोई नहीं है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं आंसू बहाने वालों तक को भी नहीं छोड़ा हमने। अच्छा, माफिया पे आंसू बहा रहे थे, माफिया पे आंसू बहा रहे थे। ए भैया तो मोदी जी को भी मिट्टी में मिला देंगे क्या? मोदी जी ने तो एक बार बताया था इस्लाम का मतलब होता है अमन, अभी ने क्या नाम है इनका, मोहन भागवत ने कह दिया मुसलमानों के बिना हिंदू है ही नहीं। तो भैया मोहन भागवत को, हम तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए, मोहन भागवत को भी मतलब कर देंगे। अरे महाराज क्या कान आप सुना बयान देते हो, आरक्षण खत्म हो गया है, आरक्षण ये गलत है। मैंने शुरू से ही बोला था भैया, मैंने कई बार बोला है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, कर्नाटक में खत्म करेगी, और आने वाले समय पे 24 में अगर ये गलती से आगे, वैसे तो आने वाले नहीं है, अगर ईवीएम नहीं हटा रही गलती से आगे, तो देश के तमाम मुसलमानों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। जितने भी मुसलमान भाई हैं उनको कान खोल के सुन लो जी, कान खोल के मैं कह रहा हूँ, फिर से कान खोल के सुन लो, अगर आरक्षण बचाना है तो भाजपा को हटाना है। और तालिबान बनवा दे इसको, है? देश को तालिबान बनवा दे। तालिबान बन रहा है आपको देश, तालिबान बनता नजर आ रहा है, तालिबान बनता नजर आ रहा है। एक चीज बताइए भैया, ये तालिबान नजर आ रहा है आपको, है? तालिबान नजर आ रहा है? अरुण बोलिए कौन सा तालिबान नजर आ रहा है बताइए, तालिबान कैसे बन गया भारत? अरे भारत तालिबान कैसे बन गया बोलिए? माफिया का सपोर्ट कर रहे हो फिर तालिबान ही बनेगा और क्या होगा? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं गलत के साथ नहीं हूँ, उसके साथ इनकाउंटर अगर नहीं होता प्रशासन उसे सजा देती। अनुराग बोलने नहीं है, अति गैंग से हो और आप तो मैं भी पुलिस भारतीय जनता पार्टी वाले गैंग से हो, सत्ता के दलाल हो, वही फिर मैं बोलूंगा। आपको लग रहा है यूपी के अंदर कानून का राज स्थापित कर दिया? यूपी के अंदर कानून को खत्म कर दिया गया है, जंगल राज को बढ़ावा दे दिया गया है, गुंडों को बढ़ावा दे दिया गया है, संघियों की सरकार वहां पे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे और आरएसएस और बजरंग दल के इशारों पे वहां पे सरकार चल रही है। योगी जी का वहां पे कुछ चल ही नहीं रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, आप क्यों नहीं जा रहे उत्तर प्रदेश? योगी जी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? 60-62 ठाकुरों की लिस्ट जारी हुई है, वो लोग उत्तर प्रदेश क्यों नहीं छोड़ रहे हैं बताइए? डर लग रहा है क्या यूपी जाने? हम तो 10 तारीख को जा रहे हैं योगी जी, 10 तारीख को आ रहे हैं, मिलते हैं वहीं पे। कहाँ मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में रख रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं 10 तारीख को, समय बता दिया भैया। तो जाएंगे जनसभा में योगी आदित्यनाथ के, वहाँ पे झंडा उठाएंगे आप? किस चीज का? बीजेपी का। मैं बीजेपी का क्यों उठाऊंगा? मैं तो संविधान का झंडा और भारत माँ का झंडा उठाता हूँ, जिसे भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर देती है। पर्दे के पीछे मुलाकात करेंगे? अपनी तरह सोच रखे हो, अपनी तरह सोच रखे हो कि यहाँ पे कहते हो
मोदी जी वाह आई टी सेल वाले जब भेज देते हैं ऐसा मुंह बनाते। अरे दलाली करना बंद कीजिए। आज के घर खाली किया तुम यूपी खाली करोगे। अच्छा ये राहुल गांधी का नहीं देश के तमाम ऐसे लोगों का घर खाली करवाने का काम करते हैं। हमको तो भैया मोदी जी ने घर थोड़ी दिया था। आपके 1,80,000 हमारे खाते में नहीं आए हैं लेकिन हाँ फिर भी कहते हैं मोदी जी आपका 24 में घर जब खाली होगा ना अनुराग आपको अपने घर पे रख लो। नमाज नहीं होती है आज उत्तर प्रदेश में देखिए। अच्छा एक चीज बताइए भैया मैं नमाज का विरोधी नहीं हूँ फिर मैं बोलूंगा दुर्गा पूजा सड़क पे क्यों होती है फिर आप लोग कहोगे हिंदू विरोधी हो गया फिर मैं कहूंगा कि वो जब राम विवाह क्यों होता है सड़क पे फिर आप लोग कहोगे हिंदू विरोधी हो गया। हिंदुओं का देश है तो ये हिंदुओं का देश है हिंदू यहीं के हैं मुस्लिम भी यहीं के हैं दोनों यहीं रहेंगे दोनों यहीं है। हिंदू तो भैया कुछ नहीं है ये कह रहे भाई पत्रकार जो सत्य सनातन वैदिक धर्म धर्म है हम लोग सनातनी हिंदू हैं। हिंदू जो हिंदू है पहले जो मुगल लोग थे मुगल गाली देता था हिंदू नहीं हो मैं सनातनी हिंदू हूँ ना मैं सनातनी हूँ जो मुगल लोग थे उस शाह को हा कहते सनातनी मुसलमान है तो बिल्कुल आपका स्वागत है दोनों सनातनी भाई भाई